बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हमने अपने अध्याय परमाणु संरचना में ठीक है बहुत सारे टॉपिकों को लेकर अपनी क्लास में अध्ययन किया हुआ है। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अफबाऊ के संशोधित नियम पर। ठीक है, अफबाऊ का जो संशोधित नियम है बच्चों, उसी को हम N प्लस L के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों आप ये सोचेंगे कि अफबाऊ का जो संशोधित नियम है ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो इन पर बहुत ज्यादा अभी फिलहाल में आप लोगों को एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप N प्लस L के नियम को अर्थात अफबाऊ के संशोधित नियम को बहुत अच्छी तरह से समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों ये समस्या कि हमको अफबाऊ के नियम के होते हुए भी उस नियम को संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, तभी तो हम समझ पाएंगे कि अफबाऊ का संशोधित नियम हमको क्यों पढ़ना है। तो समझिएगा और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको अफबाऊ के नियम की डेफिनेशन दिया था, है ना, मैंने आपको इसकी परिभाषा बताया था, तो हमने डेफिनेशन में क्या समझा था बच्चों, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि प्रत्येक तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है ना, इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो तरीका है वो हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। कहने का मतलब यह था कि अफबाऊ के नियम के अनुसार सबसे पहले नाभिक के निकट वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जब कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं उसके उपरांत वो हायर ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और इस क्रम को वो फॉलो करते रहते हैं। यही अफबाऊ का नियम था, जिसके लिए हमने अफबाऊ के नियम की एक तालिका पढ़ी थी जिसको हमने बोला था अफबाऊ के नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो प्रतिरूप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको समझिएगा। ठीक है, क्या रखा था मैंने आपके सामने बच्चों, ये नाभिक है, नाभिक के सबसे निकट था 1s2, उसके बाद बच्चों 2s2 और 2p6, फिर 3s2, 3p6 और 3d10, उसके बाद था बच्चों 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14, 6s2, 6p10, 6d10, 6p6 होगा सॉरी, और उसके बाद होगा बच्चों 7s2, 7s2, 7p6। ठीक, इसके अकॉर्डिंग बच्चों जैसा कि आप जानते थे नियम के अनुसार नाभिक के सबसे निकट 1s ऑर्बिटल है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो विन्यास की सीरीज हमको मिलती वो हमको कुछ इस तरह से मिलती बच्चों, हमको सबसे पहले मिलता 1s2, फिर इलेक्ट्रॉन 2s और उसके बाद 2p6 में प्रवेश करता, तो उसके बाद आपको मिलता बच्चों 2s2, 2p6। ठीक है, अभी तक कोई ज्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s, फिर उसके बाद को जाना चाहिए था 3p में और उसके बाद जाना चाहिए था 3d में। ठीक है, लेकिन विन्यास के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 3s2, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s2 में, फिर उसके बाद जाएगा 3d10 में। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि 3s और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन को किस में प्रवेश करना चाहिए था, 3d में प्रवेश करना चाहिए था, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन 3d से पहले किस में प्रवेश कर गया, s में प्रवेश कर गया। और यही
जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आफबाहु जो है वो अपने नियम से, केवल आफबाहु के नियम से हम उसको पूरी तरह से क्या नहीं कर पा रहे बच्चों, स्पष्ट नहीं कर पा रहे। आफबाहु का नियम क्या रहता है कि नाभिक के निकट जो ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो उसके अनुसार तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाना चाहिए, गया, फिर 2s और 2p में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक था, उसके बाद वो 3s, 3p और 3d में जाना चाहिए था। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन हमारा 3s और 3p में तो गया है ना, इनमें गया, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से पहले किसके पास चला गया, हमारा इलेक्ट्रॉन 4s के पास चला गया। इसका मतलब यहां पर आफबाहु के नियम में हमको एक क्या देखने को मिल रही है, त्रुटि देखने को मिल रही है, एक दोष देखने को मिल रहा है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों कि हमको अफअपवाहु का संशोधित नियम पढ़ना है। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों जो अफअपवाहु का संशोधित नियम है उसको हमने क्या बोला हुआ है, उसको हमने बोला हुआ है एन प्लस एल का नियम। यानी कि जब हम ये एन प्लस एल का नियम पढ़ लेंगे तो बच्चों हमको ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, हमारी इस समस्या का निवारण हो जाएगा क्योंकि हमको अफअपवाहु का संशोधित नियम मिल जाएगा। तो अब हम इस नियम का प्रयोग करके आसानी से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाएंगे। चलिए तो समझते हैं बच्चों, एन प्लस एल के नियम के दो बिंदु ज्ञात हैं। इसके कितने बिंदु ज्ञात हैं? दो, ये दो बिंदु हैं बच्चों। इसका पहला बिंदु आपके सामने है, ध्यान दीजिए। पहला बिंदु कहता है जिन ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान कम होगा जिनके लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान, सर थोड़ा सा ठीक है पर आप बाद में। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि जिन ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान कम होगा उसकी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा भी कम मानी जाती है। बच्चों एन प्लस एल के नियम का ये पहला बिंदु है, जिन ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, केवल डेफिनेशन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको एग्जाम्पल में हमको क्या भी करना है, समझना भी है। तो उदाहरण को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जब हम एग्जाम्पल को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है, तो आप मेरे उदाहरण को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। उदाहरण, उदाहरण को समझाने के लिए यह उदाहरण नंबर एक है। उदाहरण को समझाने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं बेटा कैल्शियम 20 को, और मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने रखता हूं। वो होगा बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद आ जाएगा 4s2, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली 20 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा विन्यास को बड़ा करना है तो हम ऐसा करते हैं एग्जाम्पल को थोड़ा वेरिएट कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल को वेरिएट कर देते हैं ताकि हम अपने टॉपिक पर आसानी से समझें। तो बच्चों यहां पर जो एग्जाम्पल है वो मैं ले लेता हूं आयरन का, है ना, आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 26। तो अभी आपने देखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद आ जाएगा बच्चों 3d6, हो गए आपके पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स। समझने वाली बात है, हमने कहा था नाभिक के निकट अगर मान लीजिए बच्चों
अगर मान लीजिए बच्चों ये नाभिक है, तो नाभिक के निकट सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2s और उसी से आगे 2p6 में होने वाली है। फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे, ठीक है, 3s और 3p में। फिर इलेक्ट्रॉन को साथ में 3d में जाना था, जबकि उससे पहले इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 4s में। यानी हमारी जो समस्या हमको देखने को मिल रही है वो किसके साथ देखने को मिल रही है, हमको मिल रही है 4s और 3d के बीच में, कि इलेक्ट्रॉन 3d में पहले क्यों चला गया, क्यों नहीं गया, 4s में पहले क्यों चला गया। तो हम इन्हीं दो ऑर्बिटल को अपना टारगेट मानकर चलेंगे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 4s2 और 3d6 के लिए n प्लस एल की हम क्या कर देंगे बच्चों, हम n प्लस एल की गणना कर लेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, 4s जो ऑर्बिटल है उसके सामने जो नंबर है ना, एस ऑर्बिटल के सामने ये जो नंबर है कितना है, 4। तो बच्चों यहां पर जब आप देखेंगे तो 4s2 के लिए मैं सबसे पहले आप, तो ऑर्बिटल के सामने जो नंबर है वो कितना, 4 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, दूसरा फार्मूला था आपके पास l इज इक्वल टू n माइनस 1, क्वांटम संख्या में अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस हो जाएगा तो 3। इससे पहले आप 2, 1 और 0 को इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पर 4 संभावित मान मिले हैं आपको, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिलने की उम्मीद होगी, s, p, d, और इसके साथ क्या मिलेगा आपको, f ऑर्बिटल मिलेगा बच्चों। तो जो 0 इंडिकेट करेगा वो s ऑर्बिटल को करेगा, 1 इंडिकेट करेगा p ऑर्बिटल को करेगा, 2 इंडिकेट करेगा d ऑर्बिटल को करेगा, जबकि 3 किसको इंडिकेट करेगा, f ऑर्बिटल को करेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास प्रेजेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, एस ऑर्बिटल के पास। तो हम यहां पर जो एल की वैल्यू लेकर चलने वाले हैं वो कितनी लेकर चलने वाले हैं, 0, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के पास है। समझ में आई मेरी बात आपको, ठीक है। चलिए, तो हमने एल का मान कितना ले लिया, 0। हमको एन प्लस एल चाहिए था, तो हमने बच्चों एन का मान भी निकाल लिया और हमने एल का मान भी निकाल लिया। अब एन प्लस एल करके देखते हैं, तो हम चलेंगे एन प्लस एल इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 4 आई, एल की वैल्यू 0 आई, तो टोटल आपके एन प्लस एल का जो योगात्मक मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 4s के लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान 4 आया। अब हम साथ में किसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे, 3d के लिए। तो बच्चों जैसे ही 3d के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे, ध्यान दीजिए, 3d ऑर्बिटल ले लेंगे 3d6 के लिए। बच्चों ऑर्बिटल के सामने नंबर 3 है, तो n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, आप l की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अगेन फार्मूला आप यही यूज करने वाले हो। ठीक है, l इज इक्वल टू n माइनस 1, तो यहां पर मैं 3 माइनस 1 कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। इससे पहले मैं 1 और 0 को इंक्लूड कर लूंगा। बच्चों यहाँ पे l के 3 संभावित मान मिले हैं, तो 3 ऑर्बिटल के पाए जाने की संभावना होगी, s, p और साथ में हमको मिलेगा d ऑर्बिटल। तो 0 इंडिकेट करेगा एस ऑर्बिटल को, 1 इंडिकेट करेगा पी ऑर्बिटल को, 2 इंडिकेट करेगा डी ऑर्बिटल को। बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में है। इसका मतलब हम एल का संख्यात्मक मान कितना इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल 2 करेंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एन प्लस एल जब आप निकालोगे बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2। ठीक है, 3 प्लस 2, तो फाइनली हमारे पास जो n प्लस एल का योगात्मक मान आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं हमने 4s और 3d के लिए n प्लस एल को अलग अलग कैलकुलेट किया, और जब हम इनके योगात्मक मान की तुलना कर रहे हैं बच्चों, है ना, जब इनकी तुलना कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4s ऑर्बिटल के लिए, 4s2 के लिए n प्लस एल का योगात्मक मान 4 है, जबकि 3d ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का योगात्मक मान 5 है। और हमने अपने स्टेटमेंट में कहा था, ठीक है, आप लोगों को स्टेटमेंट मैंने बताया था n प्लस एल के नियम का पहला बिंदु, कि जिन ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का योगात्मक मान कम होगा उसकी ऊर्जा भी कम होगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा भी कम होगी। अब अबाउ का नियम कहता था कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और बाद में उच्च ऑर्बिटल में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने n प्लस एल के नियम में यह प्रूफ किया कि n प्लस एल जो ऑर्बिटल है जिसके लिए योगात्मक मान 4 आ रहा है वो किसका है, 4s का, मतलब इसकी ऊर्जा कम है। और यही वजह है बेटा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार
पहले इलेक्ट्रॉन 3D से पहले किस में प्रवेश करेगा, 4s2 में प्रवेश करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बच्चों? इसका दूसरा बिंदु भी हम जल्दी से उसको भी क्लियर करेंगे। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे बिंदु के लिए हम n प्लस एल का दूसरा बिंदु देखने जा रहे हैं। यदि किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का योगात्मक मान समान, या अपन इसको बोलेंगे बेटा बराबर हो जाए, तो हम केवल स्मॉल n के मान की तुलना करते हैं। बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कोई ऐसे दो ऑर्बिटल मिल जाएं जिनके लिए n प्लस l के योगात्मक मान बराबर आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पहला बिंदु है वो असफल हो जाएगा, क्योंकि वो हमको नहीं बता पाएगा कि अब ऊर्जा किसकी कम होगी, है ना, उस कंडीशन में। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश करेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दूसरा नियम काम आएगा, यदि किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का योगात्मक मान बराबर हो जाता है तो हम केवल मुख्य क्वांटम संख्या यानी स्मॉल n के मान की तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करते हैं जिसके लिए अब आपको ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा ना, ये चलने दीजिए, आप काट दीजिएगा बाद में, ये ठीक है कि वहां से ओके सर। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, ठीक है, किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का योगात्मक मान अगर बराबर आ जाएगा तो हम केवल मुख्य क्वांटम संख्या n के मान की तुलना करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके स्मॉल n का मान छोटा ना, या आप कह दें कम होगा, उसकी ऊर्जा भी कम मानी जाएगी, कम मानी जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है पहले उसी में होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन पहले उसी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उदाहरण पे आप लोग ध्यान दीजिए, उदाहरण वही लेने वाला हूं आपके लिए। ठीक है, जो अभी हमने लिया था, मैं आयरन 26 का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, आयरन 26 कॉन्फिगरेशन करता हूं बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 4s2 और फाइनली आ जाएगा 3d6। तो बच्चों इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस 2 6 प्लस 10 12 18 20 और 26, तो इस तरह से हमने आयरन का कॉन्फिगरेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया। अब सबसे पहले तो हमको ऐसे दो ऑर्बिटल खोजने पड़ेंगे जिनके लिए n प्लस l के योगात्मक मान बराबर होंगे, तो बच्चों इस बार में 3p6 और 4s2 को ले लेता हूं। ठीक है, 3p6 और 4s2 के लिए, ठीक है ना, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम सबसे पहले 3p6 को लेके चलेंगे, 3p6 के लिए
तो बच्चों ऑर्बिटल के सामने सबसे पहला जो नंबर है वो 3 है, तो n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। आप l की वैल्यू निकाल लेंगे तो फार्मूला आपका n माइनस 1 था, उससे 3 माइनस 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी 2। इससे पहले हम 1 और 0 को इंक्लूड कर लेंगे। फाइनली हमारे पास 3 मान आएंगे, हमको यहाँ पे s, p और d ऑर्बिटल मिलेगा। वही चीज़ें 0 इंडिकेट करेगा s को, 1 इंडिकेट करेगा p को, 2 इंडिकेट करेगा d को। तो फाइनली बच्चों हम l का जो मान यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे 1, ठीक है। जब आप n का मान 1 यूज़ करेंगे तो आपके पास n प्लस l की जो वैल्यू है वो देखेंगे कितनी आएगी। n का मान 3 है तो 3 रखेंगे, l का मान 1 ले रहे हैं तो आप 1 रखेंगे। तो बच्चों टोटल जो आपके पास योगात्मक मान आएगा वो कितना आ जाएगा, n प्लस l का 4 आ जाएगा। इस तरह से हमने n प्लस l का एक मान 4 निकाला। सिमिलर हम 4s2 के लिए फिर से निकाल कर देखेंगे, हालांकि इससे पहले हमने निकाला था, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 4s2 के लिए, 4s2 के लिए s ऑर्बिटल के सामने अगेन 4 है तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। बच्चों l का मान निकाल देंगे 4 माइनस 1 तो वैल्यू आ जाएगी 3। इससे पहले 2, 1 और 0 इंक्लूड कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर आपको l के 4 मान मिलेंगे, s, p, d और f, ये 4 ऑर्बिटल्स। 0 इंडिकेट करेगा s को, 1 इंडिकेट करेगा p को, 2 इंडिकेट करेगा d को, 3 इंडिकेट करेगा f को। बच्चों l का जो मान हम यूज करेंगे इस बार वो हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो s के पास है, तो हम 0 लेंगे। यहाँ पे रीजन भी दे देंगे s ऑर्बिटल, है ना, जैसे हम यहाँ पे रीजन दे देंगे p ऑर्बिटल। तो सिमिलर बच्चों हमको n प्लस l निकाल लेना है, तो n प्लस l बराबर आ जाएगा 4 प्लस 0। फाइनल आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी n प्लस l इज इक्वल टू 4। तो बच्चों फाइनली हमने n प्लस l का योगात्मक मान अभी भी कितना प्राप्त किया, 4 किया। समस्या अब हमको ये आने वाली है, हमारा बिंदु कह रहा था अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का योगात्मक मान अगर बराबर या समान आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम केवल n के मान की तुलना करेंगे। तो हमने आपको अभी तक केवल ये बताया कि 3p6 और 3 4s2, ये दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके लिए n प्लस l का योगात्मक मान बराबर आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम केवल n के मान की तुलना करेंगे। तो 3p6 के लिए n का मान कितना है बच्चों, n का मान यहां पे 3 है जबकि यहां पर n का मान कितना है, 4 है। तो हम देख सकते हैं 3 कम है 4 से, यानी 3 जो है वो छोटा है 4 से। तो सीधी सी बात है बच्चों, 3p से पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें प्रवेश करेगा, सॉरी 4s से पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें प्रवेश करेगा, 3p6 में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो होप्स आपको n प्लस l का ये जो नियम है ये आपको समझ में आया है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे ये टॉपिक हमको और भी काम आने वाले हैं।